मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस और स्वराज रक्षक सम्मान द्वारा देश प्रेम का संदेश दिया गया। और कार्यक्रम के दौरान मिशन वंदे मातरम की ओर से अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से सांसद रमेश पिधुड़ी को एक चांदी की ईंट भेंट की गई। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस सभा में कुलपति प्रोफेसर पीबी शर्मा, सांसद रमेश पिधुड़ी, डिप्टी कमिश्नर दिल्ली मेट्रो जितेंद्र मणि त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना अंजू सिन्हा, संपादक अनुज अग्रवाल सहित देश भर से सम्मानित हस्तियां मौजूद रही। सांसद रमेश पिधुड़ी मिशन वंदे मातरम के इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और इस बार भी उन्होंने इस सभा की सराहना की। मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के माध्यम से नौजवानों के विकास के साथ साथ उनकी मानसिकता जागृति रहे। देश में ऐसा नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें आगे भी जयचंद पैदा नहीं होंगे। सत्ता की खातिर समय समय पर इस देश में लोग देश के साथ गद्दारी करते रहे, आज भी लोग हैं। किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने किस प्रकार का तांडव लाल किले पर किया था, तो नौजवानों को जागृत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे कहा था, मैं जिंदा ही रहूँगा और जिंदा ही आज़ाद ही मरूँगा और आज़ादी दिलाकर जाऊँगा, आज़ादी मरूँगा। तो इस प्रकार से ये देश आज़ाद रहे, इस प्रकार की मानसिकता आने वाले नौजवानों के मन में रहे। आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उसके निर्माण निधि के रूप में 51,000 रुपये के एक शिलालेख आज वंदे मातरम मिशन के माध्यम से यहाँ पर भेंट की गई है। मैं साधुवाद और बधाई दूंगा मिशन वंदे मातरम को कि वो राष्ट्र के उत्थान के लिए भारत की संस्कृति जो है वो भगवान श्री राम में ही नीत और विद्यमान है। भारत की संस्कृति भगवान श्री राम ही भारत की संस्कृति है, तो उसी संस्कृति को ये सप्रेम भेंट की गई है, उसके लिए वंदे मातरम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वंदे मातरम की ही तरह आने वाले समय में नौजवान इसी प्रकार के कार्य करें तो आने वाली जनरेशन को भी ये एक संदेश मिलता रहे कि भारत को अगर विश्वगुरु के स्थान पर रखकर और सदैव रखना है तो इसी प्रकार का संघर्ष आगे भी हमारे नौजवान करते रहें और प्रेरणा लेते रहें। देश प्रेम के जज्बे से भरे हुए मिशन वंदे मातरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी अक्सर देश के अमर शहीदों की याद में इस तरह के आयोजन करते नजर आते हैं। देखिए 2010 में जब मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी, उसका मेन उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारी योद्धाओं वीरांगनाओं की वीरता और बलिदान को देश की झोपड़ी झोपड़ी से लेकर खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उसको भविष्य के जो हमारा इतिहास है उसको वर्तमान के साथ जोड़ा जाए, जो भूतकाल का हमारा इतिहास है उसको वर्तमान के साथ जोड़ा जाए, तभी हमें अपने जो हम महापुरुष हैं उनके दिए गए त्याग और तप का पता लगेगा। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि कई वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए किसी न किसी प्रकार से योगदान देने वाले सभी महापुरुषों की पावन माटी उसमें सम्मिलित करी जा रही है, जिसमें हमारे मार्गदर्शक मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के मार्गदर्शक राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थल की पुण्य माटी भी सम्मिलित की जा रही है। मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने इस बार जो संकल्प लिया था कि हम मंदिर निर्माण में राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम चांदी की शिला एक भेंट करेंगे, तो हमें 51,000 की एक चांदी की शिला अपने मार्गदर्शक मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के मुख्य मार्गदर्शक राष्ट्र दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश पिधुड़ी जी को आज मंदिर निर्माण के लिए वो शिला भेंट करी। अपने इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य संरक्षक MIT विश्वविद्यालय के चांसलर वाइस चांसलर प्रोफेसर PV शर्मा जी, दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ मेट्रो श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, मुख्य सलाहकार हैं मिशन वंदे मातरम के भाई अनुज अग्रवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना कथक नृत्यांगना बहन अनु जी और सम्मानित सभागार में जो उपस्थित हैं उन सबकी उपस्थिति में हमने ये शिला मंदिर निर्माण के लिए दान करी है। और हमारा आगे का संकल्प है इन कार्यक्रमों को स्कूलों में कॉलेजों में चित्रकला निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हम ये बच्चों तक लेकर दें। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी के देश प्रेम के जज्बे को उनकी बेटी जसमीत में भी देखा गया। इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के, हम
इस आयोजन में आकर्षण का केंद्र रहा संयुक्त नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का मिशन वंदे मातरम को लेकर दिया गया संदेश। आयोजन में उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों ने इस मौके पर न्यूज फोल्डर से खास बातचीत की। ये जो कार्यक्रम है हर साल 27 फरवरी को ये जो मिशन वंदे मातरम है वो चंद्रशेखर आजाद जी की जो पुण्यतिथि है जो उनकी कुर्बानी का दिन है उस दिन पे ये कार्यक्रम करते हैं और इसी माध्यम से युवा पीढ़ी को कहीं कहीं अपने आज़ादी में जो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके योगदान को याद करते हैं और नई पीढ़ी को बताते हैं कि कहीं न कहीं उनके योगदान को हम अपने दिल में रखें और उनके प्रति एक श्रद्धा रखें। थैंक यू सर। मिशन वंदे मातरम द्वारा आयोजित आज का ये भव्य कार्यक्रम पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है। सही मायने में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराया है। मैं चाहता हूं कि देश का प्रत्येक युवा मन में ये संकल्प ले कि हम भारत को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कारित सुंदर और पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाएंगे और यहाँ के सभी निवासी इस बात को महसूस कर सकें कि पृथ्वी पर अगर कोई स्वर्ग है तो वो यहाँ है भारत में। ऐसा भारत बनाने के लिए हम संकल्प के साथ सभी लोग जुट जाएं और समर्थन करें उस राष्ट्रीय भावना का जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश के विकास के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिशन वंदे मातरम के प्रति अपना व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करके हमको चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान को न केवल याद करने का बल्कि उनके चरणों में नमन करने का अवसर प्रदान किया। Well, I'm happy, I'm excited. The program was well organized, well coordinated, and the focus was outstanding. How do you feel in India, sir? I'm Indian. I spent 10 years in India. I studied in India, and now we are running on a project for Center for Indian Studies in Zimbabwe. And we hope by in 18 months' time it will be open and we'll be teaching. But I'm impressed with the coordination and organization of the program. It shows a lot of commitment to the Mataya who fought for India and who defined India as a free nation, as a free state. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. मैं ओपी श्रीवास्तव, मैं एनटीपीसी में जनरल मैनेजर रिटायर्ड हूँ और अभी वर्तमान में जो नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तो आज मुझे मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की ओर से आयोजित पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत दिवस पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ के जो आयोजक हैं इनने हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को भी निवेदन किया था पर एनीवे उनको कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट थे वो नहीं आ पाए और उनने एक बहुत अच्छा संदेश चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृति में दिया है। मैं कैलाश सत्यार्थी जी के साथ बचपन से मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन आज अपने देश प्रेम के जज्बे की वजह से देश में लोकप्रिय संस्थान बन रहा है। वर्ष भर में कई कार्यक्रमों की बदौलत पूरे देश में एकता, अखंडता और भारत की विरासत को लेकर संदेश देने में सफल रहा है और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में चांदी की ईंट राम मंदिर निर्माण के लिए भेज कर एक और मील का पत्थर तय किया है। डॉक्टर दीपक वर्मा, रविशंकर, प्रमोद कुमार, उमेश चतुर्वेदी, समयंक अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, मनीष पारेख, रविन्यू कुमार, डॉक्टर शिल्पी तिवारी, सुषमा शर्मा, रीशु रानी और अभिषेक शर्मा को इस मौके पर स्वराज रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से न्यूज़ फोल्डर के लिए संपादक किरण शर्मा की रिपोर्ट।